यार तेरी छोटी बहन जैसी है। मेरी कोई छोटी मोटी बहन नहीं है कोई। ऐसा लग रहा है कि वो मेरी फोटो देखती होगी जब भी प्रेग्नेंट थी। कहाँ जा रहे हो तैयार शेयर होके? कैसे लग रही शर्ट? शर्ट तो सही लग रही है। जा कर रही हूँ, कोट वोट निकाल रखा। कहाँ जा रहे हो बताना, कैसे लग रहा हूँ? अरे सही लग रही है शर्ट। अच्छी लग रही है? हाँ अच्छी लग रही है। मेरी कोट कोट तो है ही अच्छा। ए बता दे यार मेरे को, प्लीज बता दे यार मेरे को, बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं थोड़ा सा। कहाँ जाना चाहे? सही लग रहा है? हाँ सही लग रहा है। शर्ट बाहर निकाल लूँ या दूसरी बहन लू ग्रे वाली? नहीं नहीं ये ब्लैक अच्छी लगती है ग्रे के नीचे। इसकी पैंट कहाँ है? पैंट तूने कहाँ रखी है? मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, मेरे को पैंट नहीं मिली, मैं जींस पे पहन ली। पैंट तो रखी हुई है लेकिन पहले बताओ तो सही कहाँ जाना है मुझे। तो तूने एक तो सर बहुत खाती है, कहाँ जाता है कहाँ जा रहा है? मेरा गला खराब है ना, मैं मेरे को डीओ नहीं मिल रहा पता है। डीओ मांग गए थे जब उस बैग में रखा हुआ था। बैग में रखा हुआ है? हाँ बैग में रखा हुआ। क्या लगा के कहाँ जा रहे हो? सही लग रहा हूँ ना? हाँ सही तो लग रहे हो, मुझे पहले बता। देखियो अरे तो मुझे बता रहा। नहीं लग रहा बता ना यार, मैं बता नहीं सकती मोटे लग रहा नहीं लग रहा। मोटे नहीं लग रहे हो, सही लग रहे हो। पहले मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? यार एक तो सवाल बहुत पूछती है। पहले एक मेरी बात सुन। मेरे गले में दर्द हो रहा है। गले में दर्द छोड़, हाथों में दर्द नहीं है ना? हाथों में है? नहीं है ना? तो जाके एक मटर पनीर की सब्जी, चिकन और गाजर का हलवा, ये तीन चीज बना ले फटाफट यार प्लीज। यार मेरी बरसों की तमन्ना पूरी है, मैं यकीन ही नहीं हो रहा मेरे को कि वो घर पे आ रही है। कौन घर पे आ रही है? रितिका। रितिका कौन? देखो पता ही नहीं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जिसके बच्चा हुआ था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। आज उसके बच्चे को 40 दिन पूरे हो गए। तमीज हो क्या? तो उसके बच्चे को 40 दिन पूरे हो गए हैं, तो वो अपने घर जाने के बदले वो मेरे घर आ रही है स्पेशल डिनर पे। मेरे को ये नहीं समझ आता, ये औरतें इतनी पागल हैं, बात ही नहीं हो पा रही। वो घर पे आ रही है डिनर पे यार। रितिका घर पे आ रही है? हाँ अपने बच्चे को लेके। मजा आ गया यार, मजा आएगा, सही बता रहा हूँ। यार मेरी बात सुन लो, मेरी बात तैयारी करनी है। किस चीज की तैयारी? तुम उसके लिए इतने एक्साइटेड हो रहे हो कि कोट वोट पहन के बैठे हुए हो? हदी होगी तुम्हारी। यकीन नहीं ले रहा हूँ, मेरे घर पे आ रही है तो कहीं एक्साइटेड हो रहे हो? तो एक बात बताओ तुम क्यों आ रही है? कि क्या हम क्या लगते हैं उसके जो अपने 40 दिन के बच्चे को लेके हमारे घर आ रही है? वो तो उसके बच्चे को देखी ना, हाँ बिल्कुल ऐसा लगेगा समर्थ समर्थ जैसा था ना। तो उसका पति नहीं आ रहा साथ में? अरे पति उसका टूर पे रहता है, गाड़ी चलाता है ना, और टूर पे गया हुआ है। क्रिसमस हमारे साथ ही बना लेगी वो। तुमने मेरे को ना फालतू की बातें मत बोलो। तुमने उसके बच्चे को देखेगी ना तो उसके बच्चे से प्यार हो जाएगा, ऐसा लगेगा तेरा ही बच्चा है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। मेरा बच्चा कैसे हो जाएगा वो? मेरा बच्चा कैसे हो जाएगा? मुझे मेरा बच्चा लग रहा है तो मेरा बच्चा तेरा बच्चा नहीं होगा? यार तुमने मेरे से ये बातें मत करो बेमतलब की। उसको वो लड़की के कदम नहीं पड़ने चाहिए घर में, बस याद रखना। यार तेरी छोटी बहन जैसी है। मेरी कोई छोटी मोटी बहन नहीं है कोई भी। तो जितनी सुंदर लड़कियां सारी घर में बुला लो। वाह दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी सारी नहीं मेरी गर्लफ्रेंड करी है ना। हाँ तो तेरे को प्यार के बारे में नहीं पता कि प्यार कैसा होता है? प्यार प्यार होता है, प्यार उससे होता है जिससे तुम्हारी शादी हुई है। ये नहीं कि किसी के घर में बच्चा लेके चल जाओ। यार मेरे तो पहले प्यार था ना यार। यार मेरे से ना जब से उसने अपने बच्चे की फोटो दिखाई ना मैं पागल हो गया हूँ। मेरे को ऐसा लगा मेरा ही बच्चा है। तो उसका बच्चा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो मेरी फोटो देखती होगी जब भी प्रेग्नेंट थी। वो बिल्कुल समर्थ जैसा हुआ है और टिकटॉक। अरे बाबा मेरे से ना ये बातें मेरे को गुस्सा मत देना, मैं सही बता रही हूँ। क्यों समर्थ जैसा होगा वो? समर्थ जैसा हुआ यार, मैं कह तो रहा हूँ कुछ बनाने वाली हूँ और मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी। तुम्हें जो करना है और मेरे घर में उस लड़की के कदम नहीं पड़ने चाहिए, बस ये याद रख लेगा। मेरी बात सुन, जो समर्थ के उस पे पैदा हुआ था तब तेरी मम्मी ने सोने का सिक्का दिया था ना, छोटा सा 5 ग्राम का या 2 ग्राम का 3 ग्राम का एक वो सोने का सिक्का। और जो अभी उसके बग्गे उसके मामा ने रिमोट कंट्रोल गाड़ी दी है,
एक वो दोनों निकाल के मेरे को दे दे। बहुत पिटने वाले काम मत मेरे लिए। बच्चा पहली बार आ रहा है, क्या देंगे उसको? मेरी बात सुन लो ध्यान से, बहुत दिमाग लगा के। मैं अपने बच्चे का सामान उसके बच्चे को दूंगी। मैं तेरा ही तो बच्चा है, हमारा ही बच्चा है वो। सॉरी 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 सॉरी, हमारा बच्चा है वो। हमारे बच्चे जैसा है, बिल्कुल बिल्कुल बिट्टू। यार तुमने ये बकवास की बातें मत करो, तो भगवान का रूप होते तो मैं अपने बच्चे की चीजें उड़ा दूं सारी दुनिया में। उड़ाना क्या नहीं है, तुम्हारे तो 100 गर्लफ्रेंड होंगी, 100 गर्लफ्रेंड के बच्चों को दे दो। वो स्पेशल है यार, कोई स्पेशल नहीं है। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, यहाँ पे अगर वो लड़की आ गई ना तो मेरी शक्ल नहीं देखोगे तुम, ये याद रख लेना। मैं अपना बैग पैक करी और मैं मम्मी के घर जाऊंगा। सिक्का दे, अपनी मटकों को काट दे, तो अपनी मम्मी के घर चले एक हफ्ते के लिए। मैं देख लूंगा, मैं बना लूंगा सब कुछ, ऐसी कोई वो नहीं है। तो ऐसी कब ऐसी पिटोगे? बहुत ज्यादा पिटोगे। वो लड़की आनी नीचे इस घर में, मैं बता रही हूँ, टांगे तोड़ दूंगी उसकी भी और तुम्हारी भी। ऐसी बात कर रही है यार, वो इतना अरमान लेके आ रही है मेरे पास। मैंने तो बोला कि तू बड़ी खुश होगी ये बात सुन के। मैं खुश होंगी हाँ, कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही है, मैं खुश होंगी। कैसी कैसी बातें करते हो ना तुम, मेरे को ना दिमाग दिमाग नाम की यार तुम में चीज नहीं है। उस लड़की पागल है क्या? वो पागल बॉयफ्रेंड के घर में आ रही है, अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर में आ रही है बच्चे को लेके। मैं यार, अब तो हमारा रिलेशन दोस्त वाला हो गया ना। ये ना मेरे को बकवास नहीं चाहिए, मेरी बात सुन लो। वो लड़की के कदम नहीं पड़ने चाहिए इस घर में, समझ आ रही है बात? मेरी कोई बहन नहीं है। दिमाग मत खराब कर, तू एक काम कर, मैं बाहर से ले आऊंगा सारा खाना, तू मत बना मत बना। मैं उसका स्पेशल है रसगुल्ले और गुलाब जामुन और गाजर का हलवा, ये तो स्पेशल मैं लेके आऊंगा यार। तो मेरे ना मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, मैं सच बता रहा हूँ। कभी नहीं, कभी तुमने सोचा कि मुझे क्या पसंद है? उसके पसंद का तुम्हें ध्यान है? नहीं, ये ऐसी खुशी में मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारी। जब भी मैं खुश होता हूँ ना, तेरे सीने पे सांप लौटते हैं, तो हमेशा मेरी खुशी में पानी फेर देती है। ये खुशी, ये खुशी है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड घर पे है तो मैं खुश रहूँ, मैं हंसूँ यहाँ पे। तालियां बजाओ यहाँ पे, तालियां बजाओ। तू चुप हो जा, तेरे को अपनी मम्मी के घर जाना है, तू जा। लेकिन ऐसी बातें मत कर। अब मेरी बात सुन लो, वो नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। मम्मी के घर जाना मतलब ये घर मेरा नहीं है यार। वो आएगी, मैं इनवाइट कर चुका हूँ। मेरे को बात कराओ, मेरी बात कराओ उस लड़की से। कितनी बदतमीज लड़की है वो, ऐसे किसी के भी घर में बैग उठाया और चल दिया, बच्चा उठाया और चल दिया। बैग उठा के मैंने बुलाया स्पेशल, कैसे कैसे आएगी वो? मैंने बोला, मेरी बात सुन लो, कल क्रिसमस है और मेरा दिन है, मेरे बच्चों का दिन है, हमें मनाना है। वो लड़की अगर इस घर में आज आ गई ना, तो कल का दिन सोच लेना फिर कैसा जाएगा तुम्हारा। इतना प्यारा सा छोटा सा बच्चा उसका यार, बहुत अच्छा लगेगा उसको गोद में, ऐसे ऐसे खिलाऊंगा, है ना? ऋतिका बात ध्यान से सुन लो, वो लड़की नहीं आनी चाहिए मतलब नहीं आनी चाहिए, ठीक है? मैं तो सोच रहा था यार कि वो आज रात को तो उसको रोक लेगी और बोलेगी कल क्रिसमस ही हमारे साथ ही बनाइयो, और वो दोनों भाई जैसे लगेंगे, तुम दोनों बहने जैसे लगेंगे, और मैं कितना खुश हूँ यार, हमारा परिवार बढ़ेगा थोड़ा सा। तो परिवार तुम ना ऐसा करो, गली मोहल्ले सब बना लेंगे कल यार। क्यों उसके साथ क्यों मनाऊंगी मैं? कुछ होगी, बहुत जोक सुनाती है, बहुत उसका नेचर तो देखेगी ना, बहुत अच्छा यार। नहीं मुझे क्या करना उसके नेचर से, तो मुझे प्यार था यार, तू बहुत चिल्लाती है तो मेरे कान में दर्द कर देती है, गजब बेइज्जती है। यही बोलूंगी, जल्दी आओ, मैं आपका वेट करूँ, मिलाओ जरा। हेलो, आपके अंदर दिमाग नाम की चीज है, अकल वकल है आपके अंदर? बदतमीज कहीं की, मैंने ऐसी लड़की जिंदगी में नहीं देखी। मतलब आपको, आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए, आपकी शादी हो चुकी है और आपके अंदर इतनी समझ नहीं है कि आप किसी के घर में ऐसे मुंह उठा के चले आ रहे हो, हैं? किसी के घर में आपको बिल्कुल समझ नहीं है क्या? बच्चा लेके ऐसे चल के आ रहे हो घर में किसी के, कितना दिमाग खराब हो रखा है मेरा। हेलो हेलो, हाँ हेलो मम्मी। नहीं मेरे को तो नहीं पता था, नहीं मैं ये तो आ, कौन आप? आपकी कब बात हुई इनसे कि आप आ रहे हो? आप आ रहे हो क्या? अरे ये मेरे को बेवकूफ बनाए जा रहे, तब से मैं इतना दिमाग खराब कर रखा है मेरा। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं अभी
अभी बात करती हूँ आपसे, ठीक है मम्मी? ओके ओके ये क्या है, तुम मेरा मेरा बाबू, मेरे बाबू तो बनाने के लिए मैं ही मिल दूंगी 100 रुपए जो है तुम्हें। हाँ तो फिर मम्मी आ रही है, मम्मी आ रही है ना, खुश नहीं होगी क्या यार? तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैंने इतनी बातें सुना दी अपनी मम्मी को। मम्मी कह रहे पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ क्या हुआ का जवाब देना पड़ेगा। मम्मी के लिए इतनी सारी चीजें बनवा रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तुम भी खुश नहीं हो रही? मेरे मम्मी को भी रसगुल्ला पसंद है।